Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके छोटे भाई पूर्व विधायक बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले यानी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को यानी कि आज के दिन फैसला आना है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम MPMLA कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की जिरह 1 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। फैसले के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी भी कर ली। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी यदि 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने भावरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। इसमें 23 सितंबर यानी कि 2022 को सांसद मुख्तार के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रथम दृष्टया तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद ही बहस पूरी हो गई है। जा सकती है अफजाल की सदस्यता। इस मामले में यदि 2 साल से अधिक की सजा होती है तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता जा सकती है। करीब 16 पुराने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिनियम 10 साल तक सजा हो सकती है। इस मामले में मुख्तार के खिलाफ 10 और अफजाल के खिलाफ 7 लोगों की गवाही दी है। सांसद अफजाल अंसारी फिलहाल जमानत पर भी हैं। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। वर्ष 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मोहम्मदाबाद के वसनिया चट्टी में निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 22 नवंबर 2007 को मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। गैंग चार्ट में अफजाल पर जहां कृष्णानंद राय हत्या का मामला है, वहीं मुख्तार के खिलाफ उनके अलावा रुंगटा अपहरण कांड का भी मामला है। बाकी अब देखना यह होगा कि जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को क्या सजा होती है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।